हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। इसका हम पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये हमारा पार्ट सेकंड है जिसमें हम आगे के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अपने हमने अपनी पार्ट फर्स्ट में क्या क्या डिस्कस किया था, उसमें डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ गिफ्ट और उसमें कुछ डेफिनेशन देखा था, ठीक है। और रिक्विजेट्स पढ़े थे हमने, चार रिक्विजेट्स थे, पार्टी, सब्जेक्ट, एक्सटेंट, फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। ये हमने डिस्कस किए थे अच्छे से पॉइंट को, और कंडीशन को देखा था हमने, गिफ्ट की क्या क्या कंडीशन होती है। वो कंडीशन के बाद हमने कुछ एग्जेप्शन भी देखे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो चुका था और हम आगे के पॉइंट्स को देखेंगे। उसके बाद आता है हमारा ओरल गिफ्ट, ठीक है। ये हमारा पार्ट सेकंड यहाँ से स्टार्ट होता है। ओरल गिफ्ट कौन सा होता है? ओरल गिफ्ट जो बोल कर किया जाता है, जो मतलब विदाउट एनी रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो मतलब ये बोल कर किया जाता है ओरली फॉर्म में। ओरल गिफ्ट इज एन इफेक्टिव इज एन वन इन राइटिंग प्रोवाइडेड दैट इट फुलफिल्स द कंडीशन ऑफ वैलिड गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ। मतलब कि जो ओरल गिफ्ट होता है उसको चाहे तो आप रिटर्न फॉर्म में भी कर सकते हैं या फिर आप ओरली भी कर सकते हैं। और उसके अंदर फुलफिल्स होनी चाहिए कंडीशन, जो गिफ्ट की कंडीशन थी हमने, जो हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था। अंडर मुस्लिम लॉ ए गिफ्ट और इमोवेबल प्रॉपर्टीज कैन बी मेड वर्बली विदाउट रिकॉर्ड्स टू रिटन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। मुस्लिम लॉ के अंडर में जो गिफ्ट है और जो इमोवेबल प्रॉपर्टी है वो वर्बली की जा सकती है विदाउट रिकॉर्ड्स टू रिटन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। हर टू कॉन्स्टिट्यूट गिफ्ट द डोनर शुड डाइवेस्ट हिमसेल्फ कम्प्लीटली ऑफ ऑल ओनरशिप एंड डोमिनियन ओवर द सब्जेक्ट ऑफ गिफ्ट। उसमें जो गिफ्ट है वो कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए, द डोनर शुड डाइवेस्ट हिमसेल्फ, ठीक है। खुद ही कम्प्लीटली ओनरशिप दी हुई होनी चाहिए, जो उसका डोमिनियन था प्रॉपर, जो उसने गिफ्ट किया उसको ट्रांसफर किया होना चाहिए, ठीक है, गिफ्ट करने के बाद में। और ये हमारा ओरल गिफ्ट हो गया। अब हम देखते हैं वॉइड गिफ्ट। वॉइड गिफ्ट कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर पॉइंट्स है काफ़ी, इसको देखेंगे। पहला पॉइंट है गिफ्ट टू अनबॉर्न पर्सन। अगर किसी अनबॉर्न पर्सन को गिफ्ट किया जाता है जो मतलब कि एग्जिस्टेंस में नहीं है पर्सन, जो अभी मतलब कि बॉर्न भी नहीं हुआ है, तो उसको अगर गिफ्ट किया जाता है तो वो वॉइड होगा। ए गिफ्ट टू ए पर्सन नॉट येट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग इट इज वॉइड। अगर एग्जिस्टेंस में नहीं है पर्सन तो वो वॉइड गिफ्ट माना जाएगा। द रीजन इज दैट डोनीज एक्सेप्टेंस इज वन ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ गिफ्ट एंड इफ द डोनी इज नॉट इन एग्जिस्टेंस ऑफ हिज कंसेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। मतलब कि क्यों माना जाएगा वॉइड, क्योंकि उस समय वो एग्जिस्टेंस में तो नहीं है, ना ही वो बॉर्न हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से उसकी एक्सेप्टेंस भी चाहिए होती है। एक्सेप्टेंस कैसे देगा वो, क्योंकि एग्जिस्टेंस में नहीं है, तो इस वजह से उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी होगी। अगर होगा तो एक्सेप्टेंस होगी, तो इसका मतलब वो वॉइड माना जाएगा, ठीक है। और उसकी कंसेंट भी होती है उसमें, कंसेंट कैन नॉट बी ऑब्टेंड, तो जैसे वो वॉइड होगा। सेकेंड पॉइंट है गिफ्ट इन फ्यूचर। मतलब कि अगर फ्यूचर में गिफ्ट किया जाए, ठीक है, तो इसमें ये वर्ड माना जाएगा। ए गिफ्ट कैन नॉट बी मेड ऑफ एनीथिंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन फ्यूचर सच एज अ गिफ्ट ऑफ द क्रॉप विच मे बी प्रोड्यूस्ड नेक्स्ट ईयर इन द डोनर्स फील्ड। दस द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द गिफ्ट मस्ट बी एक्चुअली इन एक्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ मेकिंग गिफ्ट। मतलब इसमें कहा गया है कि जो गिफ्ट है अगर वो फ्यूचर में किया जाए, ठीक है, मतलब कि जैसे कि क्रॉप है, क्रॉप मतलब कि हर नेक्स्ट ईयर आएगी, ठीक है, तो अगर नेक्स्ट ईयर आएगी तो मैं आपको वो डोनेट कर दूंगा, तो इसका मतलब ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहाँ पर ये भी नहीं पता कि फ्यूचर में वो बचेगी या नहीं बचेगी, तो ये मतलब कि एब्सोल्यूट नहीं है कि वो गिफ्ट मिलेगा उसको, तो इसका मतलब ये वर्ड हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कंटिंजेंट गिफ्ट। कंटिंजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट में भी आपने पढ़ा होगा, कंटिंजेंट मतलब कि हैपनिंग और नॉन हैपनिंग इवेंट्स जो फ्यूचर में होते हैं। तो इसके अंदर बताया गया कि ए गिफ्ट कैन नॉट बी मेड टू टेक इफेक्ट ऑन द हैपनिंग ऑफ कंटिजेंसी दैट इज हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर सर्टेन इवेंट्स। मतलब कि फ्यूचर सर्टेन इवेंट्स के हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड होता है गिफ्ट। अगर वो इवेंट हुआ या नहीं हुआ तो उसके बेस पर आपको गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। गिफ्ट विद अ कंडीशन, मतलब कि जो गिफ्ट किया जाता है अगर वो कंडीशन के बेसिस पर किया जाता है, अगर कंडीशन के बेसिस पर किया जाएगा ना गिफ्ट, तो वो वॉइड होगा, क्योंकि जो गिफ्ट किया जाता है वो मतलब कि फुल्ली एब्सोल्यूटली किया जाता है उसको, मतलब कि उसका जो पोजेशन होता है वो जैसे गिफ्ट होता है वो उसका ओनर बन जाता है, तो उसके ऊपर कोई कंडीशन तो होनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी होती है जैसे वो गिफ्ट होती है, तो उसके ऊपर क्या किसी चीज़ की कंडीशन लगेगी फिर, तो इस वजह से वो वॉइड होगा। व्हेन अ गिफ्ट इज मेड सब्जेक्ट टू अ कंडीशन इट इज वॉइड। फिफ्थ पॉइंट है गिफ्ट ऑफ मूसा। मूसा के बारे में आपने सुना ही होगा मुस्लिम लोग के अंडर, अगर नहीं पता है तो आप इसको जान लीजिए। मूसा मीन्स अनडिवाइडेड शेयर इन अ प्रॉपर्टी। जो अनडिवाइडेड शेयर होते हैं प्रॉपर्टी में उसको मूसा कहा जाता है। गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन अ डिविजिबल प्रॉपर्टी इन इज अंडर हनफी लॉ जनरली इरेगुलर बट कैन बी वैलिडेटेड बाय सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन।
मतलब कि जो गिफ्ट है अनडिवाइडेड शेयर का, वो डिविजल प्रॉपर्टी है, मतलब कि डिवाइड की जा सकती है अंडर हनफी लॉ में, जो सुन्नी लॉ है उसके हनफी लॉ के अंडर में उसको डिवाइड किया जा सकता है। जो अनडिवाइडेड शेयर है जो गिफ्ट किया जा रहा है वो जनरली इरेगुलर होगा, ठीक है, वो इरेगुलर कंसिडर होगा अंडर हनफी लॉ, क्योंकि वो वैलिड भी हो सकती है और वो वॉइड भी हो सकती है, दोनों में से कोई भी हो सकती है, इस वजह से वो इरेगुलर होगा। बट कैन बी वैलिडेटेड बाय सेपरेशन एट डिलीवरी ऑफ पोजिशन, मतलब कि वो वैलिडेट हो, मतलब कि हुआ होना चाहिए जो गिफ्ट कर रहे हैं, सेपरेशन एंड डिलीवरी ऑफ पोजेशन, ठीक है, जो सेपरेट है और डिलीवरी ऑफ पोजेशन हुआ होना चाहिए उसका। डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा, अब डॉक्ट्रिन, इसके डॉक्ट्रिन को पढ़ते हैं मूसा के, जिसको हिबा बिन मूसा भी कहा जाता है, ठीक है, मुस्लिम लोग के अंडर में। मूसा इज एन अरेबिक वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम सायू, मीनिंग अनडिवाइडेड शेयर इन दी प्रॉपर्टी। मूसा को अरेबिक वर्ड में कहा जाता है सायू, जिसका मतलब है अनडिवाइडेड शेयर इन दी प्रॉपर्टी, जिसका अनडिवाइडेड शेयर है प्रॉपर्टी में, ठीक है। इट मीन्स अ गिफ्ट ऑफ अ पार्ट ऑफ थिंग विच इज कैपेबल ऑफ डिविजन इज नॉट वैलिड अनलेस द सेड पार्ट इज डिवाइडेड ऑफ एंड सेपरेटेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ द डोनर, ठीक है। जो गिफ्ट किया जाता है पार्ट ऑफ अ थिंग विच इज कैपेबल ऑफ डिविजन, जो वैलिड नहीं होगा अनलेस द सेड पार्ट इज डिवाइडेड ऑफ, अगर डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो वो प्रॉपर्टी वैलिड होगी, ठीक है। काइंड्स ऑफ मूसा, इसके कुछ काइंड्स भी पढ़ते हैं मूसा के। मूसा इन अ प्रॉपर्टी इनकैपेबल ऑफ डिविजन, मतलब कि जो जो डिवीजन है प्रॉपर्टी के वो इनकैपेबल है, ठीक है, कैपेबल नहीं है। तो फिर ए गिफ्ट ऑफ एन अनडिवाइडेड शेयर इन अ प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ डिवीजन इज़ वैलिड, ठीक है, अगर वो कैपेबल नहीं है डिवीजन के लिए तो वो वैलिड होगा, ठीक है। मतलब कि अगर वो डिवाइड हो गया, प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई, ठीक है, जो पार्टीशन तो वो हो गया, उसके बाद वो कम्प्लीटली हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद उसको गिफ्ट किया जाए तो वो वैलिड होगा। मूसा इन प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ डिवीजन, मतलब कि जो मूसा है प्रॉपर्टी वो कैपेबल है डिवीजन के लिए। इफ़ द प्रॉपर्टी इज कैपेबल ऑफ डिवीजन द गिफ्ट ऑफ मूसा विल बी इरेगुलर दो नॉट वॉइड अंडर हनफी लॉ, इट मीन्स दैट इट कैन बी रेंडर्ड वैलिड बाय सब्सिक्वेंट पार्टीशन एंड डिलीवरी, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा, आप इसको पढ़ लेना अच्छे से वीडियो देखने के बाद। अब हम काइंड्स को पढ़ते हैं, गिफ्ट के जो गिफ्ट के काइंड्स है उसको पढ़ते हैं। पहला है हिबा बिल इवाज, अंडर मुस्लिम लोग इसको हिबा बिल इवाज कहा जाता है। इसका मतलब है हिबा मीन्स गिफ्ट एंड इवाज मीन्स होता है कंसिडरेशन, कंसिडरेशन जिसको समथिंग इन रिटर्न कुछ दिया जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हम कुछ परचेज करते हैं किसी शॉप से, तो हमको वहाँ पर कुछ देना होता है, क्या देता हूँ, मनी के रूप में, ठीक है, या कुछ भी दिया होना चाहिए, जैसे कि कुछ भी चेंज एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है, तो इस तरह से कंसिडरेशन होता है। ऑलरेडी रिसीव्ड, जो ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है। हिबा बिल इवाज इज अ ट्रांजेक्शन मेड अप फॉर टू म्यूचुअल और रेसिप्रोकल गिफ्ट बिटवीन द टू पर्सन, वन गिफ्ट वॉज फ्रॉम द डोनर टू डोनी एंड द अदर फ्रॉम डोनी टू द डोनर। मतलब कि इसमें हिबा बिल इवाज में ये होता है कि ट्रांजेक्शन होती है टू म्यूचुअल, जो म्यूचुअली पर्सन होते हैं कौन होते हैं, डोनर और डोनी, दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, कुछ भी गिफ्ट्स मान लीजिए, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं दोनों आपस में, तो इस तरह से वो गिफ्ट माना जाएगा, हिबा बिल इवाज कहते हैं उसको। द गिफ्ट एंड द रिटर्न गिफ्ट आर सेपरेटेड एंड इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन विच टुगेदर मेकअप हिबा बिल इवाज, मतलब कि जो गिफ्ट है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, फिर वो दूसरे को रिटर्न करेगा, तो इस तरह से सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है विच टुगेदर मेकअप हिबा बिल इवाज। हिबा बिल इवाज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एज अ डिवाइस फॉर इफेक्टिंग अ गिफ्ट ऑफ मूसा इन प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ डिवीजन। जो हिबा बिल इवाज है वो इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में डिवाइस फॉर इफेक्टिंग अ गिफ्ट ऑफ मूसा इन प्रॉपर्टी कैपेबल ऑफ डिवीजन, जो कैपेबल होगी डिवीजन इन अ गिफ्ट, ठीक है। तो हम हमारा ये हिबा बिल इवाज भी हो गया। अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट, हिबा बा शर्तुल इवाज, इसका मतलब देखते हैं शर्त, शर्त यहाँ पर शर्तुल आ रहा है, शर्त मीन्स स्टिपुलेशन, मतलब कि कंडीशन। हिबा बा शर्तुल इवाज मीन्स अ गिफ्ट मेड विथ शर्त फॉर रिटर्न, मतलब कि जो गिफ्ट दिया जाएगा वो कंडीशन के बेसिस पर दिया जाएगा, ठीक है। इट कंटेन्स द फॉलोइंग फीचर्स, इसमें कुछ फॉलोइंग फीचर्स हैं। हर डिलीवरी ऑफ पोजेशन इन नेसेसरी इज नेसेसरी, मतलब कि जो डिलीवरी ऑफ पोजेशन है वो नेसेसरी होगा इसमें। इट इज़ रिवोकेबल अंटिल रिटर्न इज पे, मतलब कि ये रिवोकेबल होगा जब तक उसको पे नहीं किया जाएगा, जब तक उसको पे नहीं किया जाएगा, पे का रिटर्न नहीं दिया जाएगा, तब तक वो, मतलब कि वो रिवोकेबल तब तक किया जा सकता है। लेकिन अगर वो इट बिकम्स इरिवोकेबल ऑन द पेमेंट ऑफ रिटर्न, अगर पेमेंट की जा चुकी है, ठीक है, तो फिर उसके बाद वो इरिवोकेबल होगा, वो रिवोकेबल नहीं होगा। द ट्रांजेक्शन व्हेन कंप्लीटेड बाय पेमेंट ऑफ इवाज गेट्स दी कैरेक्टर ऑफ सेल, द ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं बाय पेमेंट ऑफ इवाज गेट्स दी कैरेक्टर ऑफ सेल, ठीक है। तो हमारा सेकेंड पॉइंट भी हो गया हिबा बा शर्तुल इवाज। अब हम देखते हैं थर्ड, सदका, सदका मतलब इट इज द गिफ्ट विद रिलीजियस मोटिव, मतलब इसको रिलीजियस मोटिव के लिए
गिफ्ट किया जाता है, इट इज इरेवोकेबल व्हेन पोजेशन इज वंस डिलीवर्ड, मतलब कि एक बार इसको डिलीवर किया जा चुका है ना सदका के गिफ्ट को, तो उसके बाद ये पोजेशन मतलब कि इरेवोकेबल नहीं होगा, ठीक है, जो गिफ्ट है वो इरेवोकेबल नहीं होगा, ठीक है, मतलब कि वो इरिवोकेबल है, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता फिर, मतलब कि वो कम्प्लीटली पोजेशन हो गया एक बार डिलीवरी होते ही। सदका एंड हिबा डिफरेंस बिटवीन, मतलब एक बार सदका और जो हिबा है उसके डिफरेंस के बारे में बता दूँ, मोटिव ऑफ सदका इज रिलीजियस, जो सदका है, सदका का जो गिफ्ट है वो रिलीजियस मोटिव के लिए होता है, लेकिन जो हिबा है, हिबा वेयर एज मोटिव ऑफ हिबा इज सेक्युलर, ये एक सेक्युलर है, ठीक है, सेक्युलर मोटिव होता है इसका। सदका इज इरिवोकेबल व्हेन पोजिशन इज वंस डिलीवर्ड, अगर एक बार इसको डिलीवर किया जा चुका है इसकी पोजिशन को, तो वो इरिवोकेबल हो जाएगा, वो रिवोकेबल नहीं होगा फिर, ठीक है। वेयर एज हिबा इज इरिवोकेबल इन सर्टेन सर्कमटांसेस, जो हिबा है उसको कुछ सर्कमटांसेस में उसको रिवोक किया जा सकता है गिफ्ट को, एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी, जो सदका है उसमें एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस नेसेसरी नहीं है, और जो हिबा है वो एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस नेसेसरी है, ठीक है उसमें। तो ये हमारा सदका और सदका के जो डिफरेंस है किसके बीच में, सदका और हिबा के बीच में, उसको भी जाना। अब हम फोर्थ पॉइंट में चलते हैं, अरियत, अरियत का मतलब, अरियत इज अ गिफ्ट वेयर अ पर्सन इज मेड द ओनर ऑफ द प्रॉफिट्स विदाउट कंसिडरेशन, अरियत इज अ गिफ्ट, मतलब कि जो विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट दिया जाएगा ओनर बाय द ओनर, ठीक है। इन अरियत दी ओनली ऑब्टेन्स द यूज और बेनिफिशियल इंजॉयमेंट फॉर ए लिमिटेड पीरियड एंड दी ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू हिम, मतलब कि जो ये अरियत है ये ऑब्टेन करेगा, जो भी गिफ्ट करेगा वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए करेगा, एक टाइम फिक्स किया जाएगा, एक लिमिट होती है, फिर लिमिटेड पीरियड होता है उसमें, जो इंजॉय करेगा अपने बेनिफिशियल जो गिफ्ट है, द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू हिम, मतलब कि आगे पास नहीं करेगा, ठीक है, नए ट्रांजेक्शन होगा किसी के पास भी। तो जो इसेंशियल इसमें पॉइंट है अरियत के, इट कैन बी रिवोक्ड, इसको रिवोक भी किया जा सकता है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर, जो ओनरशिप दिया गया है उसको प्रॉपर्टी का वो ट्रांसफर नहीं होगा किसी को भी, इट मस्ट बी फॉर अ डेफिनेट पीरियड, मतलब ये एक डेफिनेट पीरियड के लिए होता है, ठीक है, एक टाइम फिक्स किया जाता है, उसके बाद इसको वापस कर दिया जाएगा गिफ्ट को। तो हमारा ये अरियत भी पॉइंट। अब हम फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं, डेथ बैड गिफ्ट, इसके बाद ये हमारा लेक्चर कंक्लूड होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज मर्जुल मौत, मतलब कि डेथ इट इसको जो डेथ बेड गिफ्ट है इसको मर्जुल मौत भी कहा जाता है, ठीक है। दिस कैन ओनली बी एग्जीक्यूटेड इन केस देर इज जेन्युइन एप्रिहेंशन दैट द टेस्टेटर विल डाई, मतलब कि जब भी कोई पर्सन मतलब कि जो टेस्टेटर होता है, मतलब कि जो विल लिखता है, जो मरने वाला होता है, जो डेथ बेड होता है, अपने मरने के कगार पर रहता है, उसको वो अगर विल बनाता है, साथ के साथ वो विल बना देता है, वो बोलता है कि उस अपने विल में लिखता है कि हाँ ये किस तरह से डिस्पोज ऑफ की जाएगी प्रॉपर्टी। मर्जुल मौत इंक्लूड्स अ सेट ऑफ लॉज रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी व्हेन अ मुस्लिम वॉज ऑन हिज डेथ बेड, मतलब कि डिस्पोजल प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए उसके अंदर अपने विल में लिखेगा, ठीक है। द गिफ्ट ऑन डेथ बेड इज ए हाइब्रिड ऑफ हिबा और गिफ्ट एंड विल, जो गिफ्ट है वो डेथ बेड, जो गिफ्ट डेथ बेड है वो एक हाइब्रिड है ऑफ हिबा और गिफ्ट और विल, ठीक है। तो ये हमारा ये सभी जो गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ होता है, ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया अच्छे से, और हमारे और भी काफ़ी पॉइंट रहते होंगे तो हम बना देंगे, वैसे हमारे मित्र से तो सब कुछ हो गया। तो मिलते हैं हम अपने नए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो कंप्लीट हो गया हमारा मुस्लिम लॉ का टॉपिक, आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, आई बटन का ऑप्शन क्लिक करें और सभी वीडियो देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।